बहुत टाइम बाद मिले हैं तो सबकी गपशप हो रही है। मैं आपको फायदा बोलूंगा। हैशटैग जुगाड़ मैं भी डालूंगी, ये बहुत अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग आप सबको। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, मैं शुरू करूंगी आज का दिन मेरा अल्लाह का नाम लेकर के, ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। बहुत से लोग कमेंट में बहुत सी चीज़ें, एक दो पर्सन लोगों ने ऐसा कहा है कि आप ये सब चीज़ें अल्लाह का नाम लेकर के ना शुरू करें। अल्लाह का नाम लेकर के सिर्फ नमाज़ कुरान ये चीज़ें शुरू होती हैं इबादत की, ऐसा नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर के आप कोई भी अच्छा काम अगर करेंगे ना, अल्लाह का नाम लिया ही इसीलिए जाता है कि हमारे नहीं होने वाले काम भी हो जाए, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेना बुरा नहीं है, अच्छी बात है कि हम अपनी हर छोटी बड़ी हर चीज़ में अल्लाह को याद करें, तो ये चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और मैंने व्लॉग अल्लाह का नाम लेकर के नहीं शुरू करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का, अपना जो मेरा दिन है वो अल्लाह का नाम लेकर के डेली शुरू करती हूँ, तो ये मेरी आदत है। अभी मैंने मुँह नहीं धोया है, मैं सो के उठी हूँ, अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, अभी उठूँगी साफ़ सफ़ाई करूँगी। बिन भूकंप हमारी दीवार गिर रही है घर में, आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। असल में आज मैं जाने वाली हूँ मेरी खाला के 40वें में, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी जस्ट उससे 2 डेज़ बिफोर मैं उनसे मिलकर आई थी जाकर के हॉस्पिटल में। और सेकेंड डे हम लोगों ने प्लास्टिक डाली थी छत पे, जो मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद अचानक में मुझको रात से फीवर हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग ने दोपहर में कड़कती धूप में ऊपर बिना पानी के बिना खाने के कंटिन्यूसली जो हम लोग ने 4 घंटा मेहनत करी थी, उसकी वजह से मुझे फ्लू पकड़ लिया था 3 दिन के लिए। और जस्ट उसी के सेकेंड डे मेरी खाला की डेथ हो गई थी, वो भी रात को। और मुझको पता चला 9 बजे और मैं घर में, मैं फुल फीवर में थी, गाड़ी भी ख़राब थी, चाहती भी तो नहीं जा पाती, तो मैं नहीं जा पाई थी। बट आज उनका 40वां है तो आज मैं ज़रूर जाऊंगी जोगेश्वरी, हम लोग जा रहे हैं, जाएंगे इंशाल्लाह शाम में। तो अभी तो उठी हूँ, काम वाम कर लूँ, फ्री हो जाऊँ, सब कर वर के फटाफट खाना वगैरह बना लूँ कर लूँ, फिर निकलेंगे हम लोग। सोचूंगी थोड़ा जल्दी जाऊं, ताकि वहाँ पे मतलब मेरे है परिवार वाले, फैमिली वाले सब बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई लोग हैं, बड़े मामू के बच्चे लोग, मेरे 4 भाई हैं, मामू लोग हैं, खाला लोग हैं, दूसरी मेरी सिस्टर लोग हैं, खाला की जो बेटियाँ हैं उन लोग बहुत अच्छी हैं, तो सबसे मिलूँगी बहुत टाइम बाद। उनके बच्चे लोग हैं, मेरे भांजे भांजी, भतीजा भतीजी, सब लोग, सबसे मिलूँगी आज जा कर के बहुत टाइम बाद। अच्छा लगेगा परिवार से मिलना, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता है, बस यही प्रॉब्लम है यार। तो शायद उन लोगों को शिकायतें भी बहुत होंगी, कोई नहीं, वक्त वक्त की बात है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और अभी तो आप लोगों को दिखाती हूँ बिन भूकंप कैसा मेरे घर में दीवार गिर रही है। और आपके भाई अभी व्लॉग में इसलिए नहीं है, बेचारे गए हैं नीचे नाश्ता लाने, अपने लिए अंडा लेकर आए हैं, मैं उनको अंडा तल के दूंगी, वो मेरे लिए चाय बनाएंगे, आज ये होने वाला है उल्टा, एक दूसरे के लिए हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ करेंगे तो दिखाऊंगी आपको, वो आ जाए फिर। तो गाइस ये देखिए, ये बहुत दिन से ऐसी हुई पड़ी थी, तो फिलहाल के लिए तो ये बिना भूकंप के अचानक से अभी गिरी है। तो ये मेरे घर की दीवार का हाल है, फ्रिज के पीछे जो है देख लो, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसको पूरा क्लीन करूंगी, लेकिन नाश्ते के बाद, ये पूरा तोड़ के इतना पूरा तक निकलेगा, ये इतना पूरा इसको निकालना पड़ेगा यहाँ तक। तो भाई साहब बाहर खड़े रह के औरतों वाली आवाज़ें निकाल रहे हैं, देखो इनको इतना पानी दे रहे ब्रेड लेकर आए हैं, ऊपर नहीं आ रहे, नहीं चाहिए, नहीं नहीं चलेगा, आ जाओ आ जाओ। अरे देखो ब्रेड लेकर आए बेचारे पीछे से मेरे लिए। अब बताती हूँ, जो बहुत से लोग हैं ना, हमारी जो ज़बान होती है ना, हम कभी भी किसी को कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा कैसा नहीं। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता भी है ना, तब भी हम उसको इग्नोर करके बात पर यकीन करने की बजाय ये कहते हैं कि कितना भी कुछ भी कह लो, लेकिन तुम लोग घर साफ़ नहीं रखते हो, तुम्हारा घर मैसी रहता है, मेरा घर साफ़ है, ठीक है। मेरे घर की जो दीवारें हैं ना, ऐसी खोखली हैं,
इसीलिए घर में कोई सामान मैं लगा नहीं सकती, इसीलिए वो टूल पे इधर इस तरीके से पड़ा हुआ है। ये पहली चीज़, ठीक है। ये मैंने बहुत मुश्किल से, ये बैग्स वगैरह है, घर छोटा है, कहीं और रखने की जगह नहीं है, ये वजह ये बताती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में चूहे हैं, छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े घूस है मेरे घर में। मैं चावल वहाँ नहीं रख सकती, किसी डब्बे में नहीं रख सकती नीचे, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा डब्बा नहीं है कोई, ठीक है। अगर वहाँ कहीं रखूँगी ना, चूहा पूरा काट के पूरा कुतुर के पूरा खा जाएगा। पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मजबूरी में ये 10 किलो चावल मेरा यहाँ पड़ा है, इसे बचाने के लिए यहाँ रखा है। नज़र के सामने जो मैसी दिख रहा है ना आपको, ये मैंने मजबूरी में यहाँ रखा हुआ है। तो ये मेरी मजबूरी है, जिस पे लोग उंगली उठा करके ये बोलते हैं ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें ना, अगर हम किसी की तकलीफ़ समझ नहीं सकते तो हमें किसी पे उंगली उठाने का भी हक नहीं है, हमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। अभी तो मैंने आप लोगों को दीवार की हालत दिखाई, आप लोगों को लग रहा है खाली उतना हिस्सा ऐसा है, मेरे घर की पूरी ये दीवार ऐसी है, बट मेरे रूम वालों के पास क्या, अभी उनके पास अभी पैसा नहीं है तो इसीलिए वो बना नहीं सकते। बट अगर वो बनाने जाएंगे तो इतना प्लस्तर वो कर भी देंगे ना, तो आगे जा कर के उनको पूरा घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दीवार, एक एक दीवार खोखली है, खिल्ला नहीं मार सकती। इतना खिल्ला मारती हूँ तो इतना हिस्सा 7 दीवार लेकर के बाहर आता है, ये हाल है घर का। तो अब आप लोगों को समझ में आया, और दीवारों के अंदर अंदर चूहे हैं। आप लोगों को खाली इतना लगता है, मेरी जो ये किचन है ना, आवाज आ रही है भाई, अंदर से आवाज आई, ऐसी आवाज आती है, क्यों? दीवारों के अंदर चूहे हैं, कभी कभार मुझे ऐसा मारना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है मेरे घर की, जिस वजह से मेरे सामान यूं ऐसे लटके हैं चूहों से बचाने के लिए, कि चूहे काटे नहीं, यूं नीचे पड़े हुए। वो जो कमेंट कर रहे हैं वो हेटर्स हैं, वो तो पता है, लेकिन हेट क्यों करते हो? कैमरा साफ तो करो। साफ किया मैंने, अच्छा मैंने इधर साफ किया क्या गलती से, सॉरी। तो हेट भी लेकिन क्यों करना यार, क्या आप हमें खिला रहे हो या हम बैठ के आपका मुफ्त में खा रहे हैं? नहीं ना, हम अपना बना रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हम वीडियोस भी अगर बना रहे हैं ना, तो अपने उन चाहने वालों के लिए बना रहे हैं यार, जो हमको इतना प्यार देते हैं, ठीक है। मैं उनको हंसाने के लिए भी इतनी मेहनत करती हूँ। अपनी बात करेंगे? नहीं नहीं, ज़रूरी है आज के लिए ये चीज़। तो प्लीज़ कुछ भी कहने से पहले सोच लो थोड़ा सी, कि किसी की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मैं इसी वजह से घर में अब कलर नहीं करती हूँ, क्योंकि 2-3 बार हम लोगों ने अपने हाथों से कलर किया, और बारिश पानी की वजह से ये सारे कलर बाद में ऐसे हो जाते हैं, बेरंग हो जाते हैं तुरंत जगह पे। तो कोई फ़ायदे का नहीं है करके मेहनत बेवजह की। तो ये प्रॉब्लम है, पता चल गई तो प्लीज़ मेहरबानी रहेगी आज के बाद, जिनको ये परेशानी है ना कि मैसी रखती हूँ मैं, साफ़ नहीं करती, तो मैं नहीं कर पाती साफ़। चलो भाई, मेरा दिमाग नहीं चल रहा ये सामान मैं कैसे कहाँ रखूँ, तुम आओ। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो मेरे घर पर आओ, 2 दिन रहो, अगर समझ में आता है मुझको साफ़ करके दो, नहीं तो बोलो मत, ठीक है। ये चीज़ हो गई, बाकी का जो मेरे चाहने वाले उनके लिए देखो, आज मेरे जानू बना रहे हैं मेरे लिए चाय, कल भी बनाई थी इन्होंने, परसों मैंने बनाई थी, और मैं तलूँगी इनके लिए अंडा। तो आज तो हम खाएंगे पिएंगे, फिर मैं फटाफट काम करके हटाऊँगी जल्दी जल्दी, है कि नहीं जानू? आज सैटरडे भी है इनका, अच्छा संडे नहीं है इनका। तो थैंक यू, और हाँ जानू, और मिल के मेरे जानू के साथ आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। हमारे पाए के सब्सक्राइबर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, अपना इतना प्यार देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कैसी हरकत कर रहे हैं, मैं भी दिख रही हूँ, नहीं मैं चमकीली दिख रही हूँ ना, आज मैंने मेकअप नहीं किया है ना, मैंने निकाल दिया था रात को ही, मेरे पास टाइम बहुत था तो मैंने निकाल दिया था, है ना। तो देखते हैं आगे का, बताऊंगी आगे का, भाई बताएंगे थोड़ा, क्योंकि मेरा हाथ दुखने लगा, ये तो इतने देर पकड़ते भी नहीं है। मैं पहले चाय बन जाएगी, ऑमलेट बन जाएगी, उसके बाद, हाँ उसके बाद दिखाएंगे, देखो कैसा बनाया इन्होंने चाय, और मैं दिखाऊंगी ये ऑमलेट कैसा वाला पसंद करते जो मैंने बनाया, ठीक है। पहले आपको कौन खाएगा, तू खाएगी, तू मेरा बेटू खाएगा पहला। ये देखो ये मेरी बिल्लियों का चाय नाश्ता है, लोग को चाहिए मस्का ब्रेड चाय में डूबा हुआ,
तो ये दोनों खाते हैं बहुत शौक से, डेली का इनका, वो भी खाती है वो भी खाता है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, गरम गरम रोटी खाएंगे हैं, इनका बड़ा बड़ा शौक है एकदम। दोनों खाली आवाज़ दिया है मालूम है, माँ नाश्ते के लिए बुला रही है, फटाक से भाग कर आए, वो भी और वो भी ऐसा खाते हैं। और इन लोगों को ना कटोरी में नहीं पसंद, हाथ से चाहिए खाने, लाड़ से प्यार से अच्छे से चाय में डुबा के अच्छे से ऐसा खिलाओ तब खाएंगे। दोनों के दोनों कैसे बैठे हैं देखो, कैसे बैठ के इंतजार में, वो भी और वो भी। भूख लगी थी मेरे बच्चों को, अल्लाह ये बहुत जल्दी जल्दी खा लेता है झुन्नू मेरा, मेरी मुन्नी बेचारी छोटा छोटा खाती है। देखा आप लोगों ने, अशफीक भाई बताएंगे कुछ। तो मैं तो बहुत ढूंढा पोस्टमैन को, अभी वो नहीं मिला, तो अभी मैं जाऊंगा घर पे। मैंने बहुत जगह बोल दिया हूँ कि अगर पोस्टमैन दिख जाए तो मुझे फ़ोन करना, मैसेज करना, हमारे एरिया का पोस्टमैन जो घूमता है ना, अभी दिख जाए तो मुझे फ़ोन करना फटाफट, क्योंकि मेरा कुछ सामान आने वाला है उसके पास से। ये देखो पेंटर भाई बैठे इधर पे, यासीन पेंटर, इसका भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भाई है पर जल्दी बनाता नहीं है। सुनो अगर किसी को भी अपने घर में कलर करवाना हो तो कांटेक्ट करो, ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम यासीन ऑफिशियल, फटफट जाओ। तो मैं भी कलर के काम ही करता हूँ, यही काम करता हूँ, पर अभी छुट्टी पे हूँ क्योंकि कुछ सामान वामान ढूंढ रहा हूँ और कुछ चीज़ें चाहिए मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घूम रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ। अगर काम पर चले जाऊँगा तो वो चीज़ अगर आ जाएगी तो चली जाएगी, वापस मिलेगी नहीं, इसलिए मैं काम पर नहीं हूँ फिलहाल, अभी करूँगा मंडे से। देखो गाइस मैं काम की हालत में हूँ इसलिए यूट्यूब पे अपना वीडियो में आया, अगर मैं वैसी हालत में होता तो वीडियो में नहीं आता था। क्यों? ये बहुत नखरे करता है, बहुत इतराता बहुत है। तो पोस्टमैन तो नहीं मिल रहा है, पर हर जगह मैंने बोल दिया, वो दुकान पे, वो सैलून पे, एक अंकल को बोल दिया अगर दिखे तो प्लीज़ कांटेक्ट टू मी शफीक शेख। और फटाफट अनसब्सक्राइब करो। और भाभी बना रही है अभी खाना शायद घर पे, तो अभी हम जाएंगे घर पे थोड़ी देर में, ठीक है? चलो मिलते हैं घर पे। ये देखिए आपके भाई बड़े बदतमीज है, मतलब पोस्टमैन ढूंढ के ये, मतलब देखो ऐसे इंसान है ना कैसी हरकत करते हैं, मुंह देखो इनका कैसा हुआ पड़ा है, एकदम जंगली बंदर दिख रहे हैं। और मेरे से पूछते दाढ़ी बना लूं क्या, मतलब नहीं बोलूंगी तो नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे मुंह लेकर के घूमोगे। मैंने कुछ शर्त रखा हूं, पूछो क्या शर्त है? हाँ हंस क्यों रहे हो, ऐसे बोलते नहीं है इनका। और देखो ना कैसे बीच की मांग आधी निकली हुई है, आधी निकल रही नहीं निकल रही है मेरी। हाँ ऐसे अच्छा लग रहा है, बड़े बाल मुझे इनके ऐसे थोड़े अच्छे लगते हैं, घने घने दिखते हैं, पर ये कटवा लेते हैं, क्या बोलूँ जाने दो। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना, आज का तो सुबह का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, क्या क्या बताया, क्या क्या बोला मैंने सबके बारे में, सब बताया। अब इतना सब जानने के बाद भी बहुत शर्म की बात है कि मुझको मतलब इतना पूरा डिटेल में हर चीज़ बतानी पड़ती है, पर लोग समझते नहीं है, जो नहीं समझते ना। अब उनको लास्ट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, इतना बताने के बाद भी अगर अब भी गलत कमेंट किया ना तो शर्म है तुम पे, मेरा घर बाद में साफ करवाना, पहले अपनी दिमाग की सोच साफ करो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही बदलती रहे, नहीं खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे जलती रहे। ये उसके लिए था जो बैड कमेंट करते हैं उनके लिए, नहीं पहले अपनी सोच की गंदगी साफ करो, मेरा घर बाद में साफ करवा लेना, मैं तो यही कहना चाहूँगी। बाकी का मेरे प्यार करने वालों को तो माँ है मेरी तरफ से। निकल गया तुम्हारा लिप बाम, निकल गया। हाँ थोड़ा लगाया क्योंकि होठ फट रहे मेरे गर्मी में भी, बताओ। तो जो मुझे बहुत अच्छा अच्छा मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल बनाए। अगर बड़ा काम तो बचा हुआ है। एक मिनट, मुझ जैसी अगर तकलीफ़ अगर आप में से किसी की ज़िंदगी में है ना, तो मेरी दिल से दुआ रहेगी कि अल्लाह आपकी भी तकलीफ़ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मैंने देखा है कमेंट्स में बहुत से लोगों की ये दुआ होती है कि आप भी भाभी भाई आप लोग किसी की ऐसी ऐसी किसी की बातों पे ध्यान ना दें, आप माशाल्लाह अच्छा करते हो, आप लोग अच्छे हो, आपका दिल साफ़ है, आप लोग आगे ही हुई बढ़ते रहें। तो आपने हमें समझा, इतना प्यार दिया, आपके साथ की वजह से आज हम यहाँ हैं और आप लोगों के लिए हमेशा हम ये सब करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, अपना इतना प्यार देने के लिए। और बस यही कहूँगी कि हमेशा हमारे साथ रहिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं हमें रास्ते में,
बस हो गया कितना। अरे यार एब्रो को थोड़ा ताव लगा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के आमीन सुमा आमीन। तो आपका यूं ही प्यार और यूं ही दुआ हमारे लिए करते रहे। अल्लाह आपकी हर तकलीफ दूर करे, आपको जुड़वा बच्चे दे। अरे ओ कुछ भी मत बोलो, फालतू की बातें बोल रहे हैं, इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। बीबी दे जिनके नहीं है अल्लाह उनको औलादे दे, और जिनके है उनको भी दे, अगर आप संभाल सकते हैं तो रखो वरना मत करो नहीं करो, हालात देख के करो, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है। अल्लाह दे सबको औलाद दे, जिनके नहीं है उनको भी दे, आमीन। तो हमारे लिए यूं ही दुआ करते रहिएगा, अभी तो फिर आगे का बाद में दिखाएंगे आपके चपीक भाई। चले जाएंगे हम, अभी पहले इनको बोलो यार दाढ़ी साफ करने, अभी जा रहा हूं मेरा करने। कभी कभार मन होता है ये सोते होते हैं ना तो दिल करता है शहद इनके मुंह से लेके पूरे बदन पे लगाऊं और एक बड़ा सा पूरे सब बदन के हिस्से का जितना एकदम वो मिलना चाहिए पेपर, पूरे मुंह से लेके बदन तक चिटकाऊं और एक साथ में जोर के खच्चा ऐसे खींचूं। ये भी पीछे हो गए तब तो मैं कोमे में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह ऐसी इनकी जो चीख निकल भी ना पाए इतना दर्द एक साथ हो, लेकिन दम एक बार में चिकने हो जाए ऐसा सोचती हूँ कभी कभी। देखें हरकतें इनकी ऐसी रहेंगी, आज इनमें बंदर की आत्मा आई हुई है तो ये आज इसलिए ज्यादा दीवानगीपन कर रहे हैं। गोरा लग रहा हूँ, गोरे लग रहे हो, मेरे साथ रहोगे तो गोरे हो ही जाओगे ना, मेरा कलर खा रहे हो, तभी तो मैं सांवली हो रही हूँ, दिख रहा है क्या? देखो गरम बहुत हो रहा है ना। हाँ रुको मैं भी फूंक मारती हूँ, तुम्हारे को हवा आएगी, टेंशन ना लो। हाँ देखे उड़ गए, बोला था ना मैंने इतना ठंडा मेरे बदन में, ठंडी हवा पूरे बदन में, बर्फ फैले ना मेरी फूंक के आगे, पसीना सूख गया मेरा एकदम। बर्फ फैले के नहीं ये बताओ पहले। हाँ बर्फ फैले, ये पास है। हाँ अच्छा, और आप प्रमोटेड हो। अगर किसी को हॉरर मूवी देखना है तो मुझे बताना, अगर देखना है तो बोलो मैं हॉरर मूवी दिखाऊंगा। तुमको देखना हॉरर मूवी? नहीं मुझे नहीं देखना। इनको दिखाऊं? हाँ इन लोगों को दिखाओ। तो ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को एक हॉरर मूवी की कहानी बताता हूँ। 1 2 3 नहीं बराबर नहीं बताई, लेकिन बराबर नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम बराबर नहीं बताया। वो जैसा वैसे उसमें करते थे ना, लाइव पे करते हैं ना इंस्टाग्राम की, वो बड़ा मजा आता है, वो बहुत हार्ड रहती है हॉरर मूवी, सबके सब डर जाते हैं। ये इनको शर्म आ गई अभी, कोई बात नहीं दिखाएंगे जरूर, पहले दाढ़ी साफ कर लो फिर दिखाएंगे, ठीक है? अभी हम लोग निकल रहे हैं जोगेश्वरी के लिए, है ना, जोगेश्वरी ईस्ट क्या ईदगाह मैदान के पास। तो हम लोग जा रहे हैं इसकी खाला के 40वें में। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, तो ये भी रेडी हो गई, वो भी रेडी हो गई, सलवार कमीज पहन ली एकदम मस्त। अब ये दे रही है चुड़ी उड़ी, आज पहनी बहुत टाइम बाद, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती, बोले मम्मी उसकी बहन चुड़ी के क्यों हाथ रखती है, उसके अब्बा सब आ रहे हैं, सब मिलने वाले हैं ना वहाँ पे। तो इसीलिए अभी वो कैट ब्यूट को खाना दे दे रहे हैं और बाहर से अभी चले जाएंगे फटाफट, फिर मिलेंगे वहाँ पे। तो अभी हमने ले लिया हेलमेट और हम रेडी हो चुके हैं, मास्क भी ले लिए सब लोगों ने, मास्क ले लो फटाफट। रुमाल मम्मा ने रखी ना, हम सपना में देखे तुम वही लड़की हो। हाँ हाँ, यहाँ आज मौसम अच्छा है, थोड़ा बारिश का भी हो रहा है, फिर बाद में देखो बारिश का हो रहा है, फिर छाँव धूप चल ही रहा है। क्या हुआ? चलो चलते हैं, चलो फटाफट गो फॉर राइड, बाय। फाइनली हम आए हैं मिलने, हमारे बेस्ट यूट्यूबर हैं ये सरफराज भाई, ये फ्रेंड है, ठीक है, ये कोई फैन या कोई, हम लोग कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बस थोड़ी बस वाले महाशय मेरे से जलते हैं इसीलिए तो बीच में बस लाए उन्होंने, नहीं तो आती नहीं, इतनी देर से नहीं आई। तो बाकी का जानो आप बताओ इनके बारे में। ये मेरे भाई और दोस्त सब है, हम लोग साथ में जॉब करते थे, पहले सिनेमैक्स में किए, फिर टीविला में किए, फिर उन्होंने मुझे लगाया पीवीआर में, कॉफी शॉप में, हर जगह, मतलब बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट है। मेरा दोस्त नहीं भाई जैसा बन रहा है, भाई दोस्त सब है मेरे, सब हम लोग ना एक कोलैबोरेशन या यूट्यूबर के हिसाब से नहीं मिल रहे, ये खास बंदा अपना, हम लोग साथ में जॉब किए हैं 2-3 साल और एकदम बोलते ना एक घरेलू रिश्ता था। अभी फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, तो शादियों में इंसान गायब हो जाता है, तो वैसे ही सीन था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको बताया कि भाई यूट्यूब चालू करो, मैं तो पहले ही बोलता था, कॉफी इंडस्ट्री में भी जब मैं बोला यार वो अच्छी है तो तू भी चल, यूट्यूब भी आज चालू हुआ तो मैं बोला यार ये अच्छा है तू भी चल। नहीं ऐसा नहीं है, असल में ना यूट्यूब को लेकर के मुझे बहुत से लोगों ने बोला बनाओ बनाओ, पर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया,
बट इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी मुझे, वो मैं बताऊंगी नहीं, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ अब मैं करके देखती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनकी पूरी फैमिली यूट्यूबर है। दुआ है तुम लोगों की, जी तुम हाँ लोगों की से। मैं खुद आंटी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जब फ्री होती हूँ तो उनके खाने बैठ के देखती हूँ, मेरा ये काम होता है। आप लोगों को पता ही होगा स्ट्रीट फूड जायका। हाँ स्ट्रीट फूड जायका, तो इनको भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हाँ फूड ड्रेस तो पता था, अभी मैंने नया चैनल चालू किया हूँ, मिस्टर सरफराज, इनके भी ब्लॉग एक नंबर होते हैं। और ये ना कुछ ना कुछ कारस्तानी करते रहते हैं, मैंने देखा इनका, तो जरूर देखिए। मेरा ये सीन है ना कि ना मैं कंटेंट भी बनाऊं और पब्लिक को थोड़ा उस चीज के बारे में सिखाऊं भी, ताकि एक पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी मिले और नई चीज सीखने भी मिले, तो वही चीज अभी। ये मोटिवेशन वीडियो ज्यादा बनाते हैं अच्छी अच्छी, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए, जुगाड़ वाले एकदम मस्त, कोशिश करो आगे बढ़ो। तो ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ जुगाड़ी काम करना है ना, तो मैं कैसा जुगाड़ी फूड बताती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ, वैसे ये जुगाड़ी चीजें बनाते रहते हैं, तो इनका देखोगे तो अपने आप लोगों का फायदा बहुत होगा। हाँ हैशटैग जुगाड़ मैं भी डालूंगी, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी ऐसी हरकतें बहुत करती हूँ। तो बाकी का आप लोगों को आगे बाद में दिखाऊंगी, जब तक इनसे कुछ पर्सनल बातें करने आए हैं, बहुत टाइम बाद भी मिले हैं तो कर लें उसके बाद। तो गाइस लेकिन शफीक आसिफा ब्लॉग्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और इनके चैनल जरूर देखना, और इनके चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, 1K सब्सक्राइबर जल्दी करना है फटाफट, तो देखिएगा जरूर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे पूरे मतलब जहां मेरे खानदान वाले रहते हैं, जहां खाला के आना था। ये देखो पीछे मेरी सिस्टर सबसे बड़ी वाली बैठी है, अब्बा जो आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखे थे। ये मेरी पहली भांजी है जो बैठी है, हाय कर रहे, जरा देख तो जरा, और मेरा भांजा है, ये इसके बच्चे हैं दोनों, पीछे बाकी के भी बैठे हैं, देखो बेचारे मासूम बच्चे, गरीब लोग खा रहे हैं, गरीब लोग खा के पेट भर रहे हैं चीज चूड़ा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूं। ये घर बहुत स्पेशल है, आप बैकग्राउंड में जाना, हमारा घर नहीं है, जाना अपना नहीं है, नहीं तो मैं आपको सैर करवाती थी यहाँ पे जो चीजें लटकी हुई उनकी, बट वो अपनी नहीं है ना, इसीलिए जाने दीजिए, छोड़िए, फिर जिनका है वो नाराज हो जाएंगे, तो खैर छोड़िए, बढ़ते हैं आगे। मेरा YouTube वीडियो, मेरा परिवार, मेरा खानदान, तो हम देख सकते हैं आपके भाई अभी जहाँ बैठे हैं, मैं वहीं बैठी थी, तो बिना चड्डी की चिड़िया ने मेरे पे कुछ ऐसा पिक कर दिया, हाँ तो मैं यहाँ आ गई हूँ छत के नीचे, और उनको बिठाया है वहाँ पे, बोला थोड़ा सा प्रणाम, वो क्या बोलते हैं, प्रसाद आप भी ले लो, तो इसलिए इनको वहाँ बिठा दिया। वो इनको खिलाऊंगी लेकिन तो ये मेरा पूरा परिवार है, आप लोग देख सकते हो मेरे पूरे खानदान वाले, मेरे बड़े मामू खाला मम्मी सब बैठे हैं, बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो सबकी गपशप हो रही है। और मिलाने का तो एक साल, मेरी एक साली है बड़ी वाली, जिसका करती है शुरू ढेला, उसको प्यार से बोलते हैं पीला, ये बहुत मामू, ये इन लोगों का चलता रहेगा, कोई नहीं। तो क्या कहते हो, चलेगा? सासू माँ कुछ कह रही हैं दामाद को, और तो दामाद पे थोड़ा सा प्यार बरसा रहे हैं। मेरे पप्पा तो मस्त बिजी रहते हैं, मैं तो अपने पप्पा की पप्पा की शेरनी हूँ, बाजू में मस्त बैठ जाती हूँ, देखो अपने बाप के एकदम मस्त मजे में। तो क्या कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ कहें? नहीं थोड़ा बहुत बाहर का दिखाएंगे, अच्छा बाहर का दिखाएंगे ना, बाद में आप लोगों को करेंगे। क्या मैं सोच रही थी, रात हो रही है, तो सोचा था रात के टाइमिंग पे अब लाइट आती नहीं आती, तो मैंने बोल दिया था कुछ नहीं, थोड़ा आगे और चला देंगे, इसमें क्या जाता है देख लेना, थोड़ा दिखाएंगे। वहाँ पे इनकी गर्लफ्रेंड लोग खड़ी रहती हैं इनके इंतजार में, तो ये वहाँ दिखाएंगे जरूर, दिखाना मिलाना जरूर, तो देखते हैं आगे का बाद में। पहुंच चुके हैं घर, बहुत अच्छे से, सही, बहुत अच्छा लगा घर पहुंच के, सही सलामत अच्छे से, फुल बाइक चला के, ये तो आ गए अपने चड्डे में, ऊपर से अच्छा पहने नीचे से कच्चा पहने, क्योंकि यार अभी जो हमारे क्या है, तो सुबह में जो बिन भूकंप जो बरसात हुई है हमारे घर में, ये बिन भूकंप जो दीवारें गिरी है, ये देखो ये हाल है,
तो ये अभी आपके भाई करेंगे हमालीगिरी बेचारे उखाड़ के, ये पूरा भूकंप लाएंगे, उखाड़ के मुझे पूरा भरना है और फेंक के आना है। हाँ जी, ये अचानक से हुआ, मैं डर के उठी, मिली घर में। अरे ओए बाबा, डराओ मत मुझे। अरे अल्लाह, तो ये है जी। हाँ, तो ये हो रहा। हाँ, अच्छे से दिखाओ। बहुत है तो वो तोड़ते तोड़ते तो सुबह हो जाएगी। मैं फटाफट तोड़ के सुबह उसको अभी भरूंगा, फेंक के आ जाऊंगा। हाँ, तो ये अभी करेंगे बेचारे, ये काम करेंगे। मैं तो चेंज वेंज करूंगी। मैंने बोला ना, ऊपर से हैं अच्छे और नीचे पैन रखे हैं कच्चे, तो ये अपना काम करेंगे। देखो, मेरे को आगे भेज दिए, तो ये भी अपना काम। अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा ना। हाँ देखो, कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, मेरा मुंह दिखाने लाए थे। तो बहुत गर्म हो रहा था, तो अभी फटाफट ये करेंगे। मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी, पर पहले मैं चेंज करना चाहूंगी और फ्री होना चाहूंगी। बहुत सर दर्द हो रहा है, पोनी डाले डाले, तो चुंडे में आऊंगी अपनी असलियत में मैं, फिर थोड़ा हेल्प करूंगी। अच्छा, हाँ। तो अच्छा ना, अच्छा इफेक्ट देगा आपको, डालना नहीं पड़ेगा। हाँ, वही ना। तो बोलती हूँ मैं, चलो फिर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट। चैनल को हमने बीच में पहले भी इसने अल्लाह हाफिज बोल दिया था दो बार, तो वो कट कर दूंगा मैं, आप लोग वो काटेंगे, ये डालेंगे। क्योंकि फिर क्योंकि फैमिली से भी मिलाना था ना थोड़ा, इसीलिए उल्टा कितनी मेरी सिस्टर लोग रह गई धीरे धीरे, बाद में आए लोग, बाद में आए, कुछ ऊपर बैठे हुए थे, तो मामू खाला लोग को तो दिखा दिया, बाकी के रह गए, और कुछ तो बाहर साइड में यहाँ पर नहीं है। तो कोई नहीं, जिंदगी में फिर ऐसा मौका आएगा जब सब एक साथ होंगे और सबको दिखा पाऊंगी, मेरे भाई भाई सबसे मिला पाऊंगी इंशाल्लाह फिर कभी। तो अभी के लिए चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और फॉलो जरूर करना इंस्टाग्राम पर, और मुझे अपना प्यार देना मत भूलिएगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और आप सभी के लिए बहुत सारी दुआएं, और मेरे लिए यूं ही दुआएं करते रहिएगा। तो अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, दुआ में याद रखिएगा अगले व्लॉग में जरूर।